हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर थ्री। ये जो टाइप नंबर थ्री है ये हमारा किस पे बेस्ड है? अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करना है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन के फॉर्म में कोई इक्वल टू सेवन दे रखा है, तो पहले हमें उसे सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर उसके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे। देखो, सबसे पहले चेक करना है हमें, ठीक है, कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कोई भी क्वेश्चन है। तो जैसे ये कुछ तीन एग्जांपल मैंने लिए हैं, हमें ये चेक करने हैं, इनकी जांच करनी है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए इसमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू, देखो ब्रैकेट खोलने का तरीका मैंने सिखाया है, टू का एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, टू का थ्री के साथ मल्टीप्लाई। अब सबको हम एलएचएस में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स, ये प्लस का टू एक्स है इधर आएगा तो माइनस का टू एक्स, ये प्लस का वन यहाँ पे है, ये माइनस का सिक्स है इधर आएगा तो प्लस का सिक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा इक्वल टू में क्या होता है, जीरो। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर ये दोनों कट गए तो वन सेवन। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती थी हमारी, जब हमने फर्स्ट पार्ट कराया था इसका, तो हमने कहा था देखो बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो ना हो। यहां पे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, वन, तो इसका मतलब वो जीरो नहीं आ रहा, बाकी बी की वैल्यू जीरो आ रही है, सी की वैल्यू सेवन आ रही है, तो इसका मतलब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। देखिए इसे, देखिए एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, एक्स का इससे वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के थ्री का वन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया टू एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया दिस इज टेन एक्स। अब देखिए आरएचएस में जीरो आना चाहिए तो इसको लेके आए हम, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते रहते हैं बेटा, तो ये प्लस का टू एक्स है इधर आया तो माइनस का हो गया। ये दोनों देखो अगर हम करें, चलो कर लेते हैं, एक्स माइनस सिक्स एक्स अगले स्टेप में कर लेंगे, ये प्लस का टेन है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का थ्री है इधर कॉन्स्टेंट था नहीं तो जीरो। अब देखो ये दोनों कट गए तो जीरो, अब देखो इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस फाइव एक्स, अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं कोई बात नहीं, इसको इससे जोड़ा तो ये हो गया माइनस फिफ्टीन एक्स। ठीक है, अब देखिए जरा अगर हम ये देखें क्या इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसका कोफिशियंट क्या होगा, जीरो, तो नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जबकि ये वाली थी यस, चेक करना था हमें। इसे देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इससे इससे मल्टीप्लाई किया एक्स इक्वल टू थ्री, ये इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, इसका मतलब ये भी हमारी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। देखो ये देखने में लग रही थी कि क्वाड्रेटिक होगी लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं आई, तो इसलिए देखते ही नहीं बता सकते, पहले उसे सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद बताओ, ठीक है। एक नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं हम रिड्यूसिंग टू क्वाड्रेटिक, मतलब इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन जाए तो उसे सॉल्व करने का तरीका तो मैंने टाइप नंबर वन में करा दिया, तो सबसे मेन काम है अब हम जो बताएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बताएंगे, केवल सॉल्व करना मैंने टाइप नंबर वन में बता दिया, अगर नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए उसे, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकता हूं मैं, वन, अब मैंने फ्रैक्शन का भिन्न का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा चुका, नहीं सीखा तो इस वीडियो के लास्ट में मैं संडे स्पेशल क्लास का एक वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि भाई फ्रैक्शन का प्लस माइनस किस तरह से करते हैं, भिन्न वाला। तो देखिए नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, वन से वन का किया, थ्री के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो सिंप्लीफाई किया, एक्स का थ्री से करेंगे तो थ्री एक्स, ये प्लस का आ रहा है इसको इधर भेज देंगे देखने में अच्छा लगेगा, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद टाइप नंबर वन लगाकर
और इसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। ठीक है, इस वाले को देखें, इसमें भी हमें देखने से नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो सकता है बन जाए। ठीक है, तो हमने वही फ्रैक्शन वाला तरीका लगाया इसमें। मैंने कहा था जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म हो या नेगेटिव टर्म हो तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस एक्स में मैंने लगा दिया, अगर नहीं भी लगाता तब भी गलत नहीं होता मेरा क्वेश्चन, लगा दिया तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। अब देखिए, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका वन के साथ करेंगे, ये माइनस का साइन आ रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, वन लगा दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया, देखिए ये प्लस का एक्स है माइनस का एक्स है, कट जाएगा, तो ये हो गया मेरा माइनस का टू अपॉन, इसका इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई किया माइनस टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज माइनस टू थ्री एक्स स्क्वायर। देखो इस थ्री का ये नहीं है एक से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दो टर्म आ रहे हैं, ब्रैकेट लगाना नहीं बात है, तो थ्री का जब मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर भी आएगा और ये माइनस का सिक्स एक्स भी आएगा। अब ये प्लस का है, इसको इधर लाए बेकार में खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे कि इस वाले को इधर ले जाए, अब LHS में जीरो हो जाएगा, जब LHS इक्वल टू RHS लिखा है और RHS इक्वल टू LHS लिख देंगे तब भी फिर कोई नहीं, तो ध्यान रखें जब भी x स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाले से काम चला लेते हैं। ठीक है, मैं उस वाले से भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे कंसेप्ट भी सीखने जिससे हमारे क्वेश्चन और आसान होने लग जाए, तो इसलिए मैंने माइनस टू को इधर भेज दिया प्लस का टू, इसमें मैंने LHS में जीरो कर दिया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। अब ये बताओ, ऐसे लिख रखा है मैंने एक्स इक्वल टू सेवन, अगर मैं ये लिख दूं कि सेवन इक्वल टू एक्स, गलत हो गया क्या? एक ही बात है, तो इसलिए मैंने इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये दोनों का मतलब सेम है, अंतर नहीं है दोनों में। अब इसमें मैं अपना टाइप नंबर वन लगाऊंगा, ठीक है, ए की वैल्यू थ्री है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स है, सी की वैल्यू टू है, अपना प्यारा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इस फॉर्मूले को मैं प्यारा वाला इसलिए कहता हूं कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मेरे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत प्यारा है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह टेंशन नहीं लेनी होती कि थ्री का टू से मल्टीप्लाई करो फिर ढूंढो फैक्टर उसके, इसमें ढूंढना नहीं है, इसमें तो करते जाओ खत्म, आना ही आंसर, बस कैलकुलेशन में गलती ना करें। तो समझ में आ गया होगा टाइप नंबर थ्री। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करके केवल इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि लगभग लगभग सभी बच्चों को आ गई है। ठीक है, आप देखो इसका होमवर्क लिखो टाइप नंबर थ्री का, ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है, ये कंडीशन है कुछ, x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं होगी, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, इसमें x की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होगी, x की वैल्यू 0, इनसे आपको 10th क्लास में कोई मतलब नहीं। वैसे अगर कोई बढ़िया बच्चा समझना चाहे, देखो अगर बाई चांस x की वैल्यू 18 आ जाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। मैंने आपको बता रखा है यदि मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो वो इंफिनिटी बन जाता है, नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए ये चीजें लिख रखी है उसने कि प्लस का 18 नहीं आ सकता, और इस केस में माइनस का 18 तो जीरो नहीं करेगा लेकिन इस केस में खराब कर देगा, अगर नीचे किसी में भी जीरो आ गए एक टर्म में तो फिर वो क्या बन जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। इसलिए अब देखो यहां पे 7 आ जाता तो जीरो बन जाता, इसलिए हटा दिया, 4 माइनस 4 आ जाता तो जीरो बन जाता, हटा दिया। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है, इसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, इससे हमारा क्वेश्चन गलत 10th क्लास में नहीं होता, 11th क्लास में 12th क्लास में इन पे ध्यान देना हमें शुरू करना। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी देख लो तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन इससे क्योंकि हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा इसलिए हमें ध्यान अगर देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे x की जगह अगर 10 आ गया तो ये 0 बन जाएगा, मैंने बताया नीचे 0 बन जाता है तो हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए उसे पहले से ही x की वैल्यूज को हटा दिया जिन वैल्यूज पर ये जो है हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, शाम को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।